कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के छत्तीसगढ़ दौरे पर विजय शर्मा ने कहा, स्टार प्रचारक जरूर आएंगे, हमारी तरफ से भी अनवरत आ रहे हैं, हम लोगों ने प्रारंभ से लेकर इसे जारी रखा है, कांग्रेस अभी नींद से जागे होंगे। पूर्व सीएम के प्रचार अभियान पर डिप्टी सीएम ने कहा, कांग्रेस के भूपेश बघेल के नेतृत्व में पहले भी चुनाव लड़ा था और हार गए थे, बहुत से उनके चुनाव के वादे पूरे नहीं हुए थे, बहुत आपराधिक कृत्य सामने आए थे, इसलिए जनता ने उन्हें नकारा था। भैया उनके किए हुए, उनके द्वारा किए हुए सब मसले हैं जिनको खुद अपनी सरकार में तो करा नहीं पाए, अब इस तरीके की राजनीति उसमें कर रहे हैं। मसला है आरक्षण का, तो जो प्रावधान हैं आरक्षण के वो खत्म नहीं होने वाले हैं। भाजपा के तरफ से बहुत स्पष्टता के साथ पूरे देश को कहा गया है इसमें से। ये बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मानसिक संतुलन खो बैठी है पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता। नहीं, ऐसा क्यों होगा, हमारे हिसाब से अच्छा मतदान हुआ है, और इनको स्वयं समझना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। अब मानसिक संतुलन खोने जैसी बातें हैं तो वो अपने आप को देखें भाई, ज़्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। 21 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर है, उन्हें रायपुर एम्स रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर, एसपी और एसडीएम प्रशासन मौके पर मौजूद हैं। आज रात लगभग 11 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि कठिया के पास रोड एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस वहाँ पर तत्परता के साथ पहुँच गई और साथ ही वहाँ पे एम्बुलेंस भी जो है बुलाया गया और घायलों को और मृतकों को जो है वहाँ से जो भेजा गया, और घायलों को सिमला अस्पताल और जिला अस्पताल भेजा गया है, जिसमें अब तक की प्राप्त जानकारी के हिसाब से 8 लोगों की जो है उसमें मृत्यु हो चुकी है और बाकी 18 लोग घायल हैं। छठी मनाने के लिए गए थे और अभी कठिया के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। इसमें एक पिकअप में ये सभी लोग सवार थे और इन्होंने की एक ट्रक से जो है वो टक्कर हो गई। इसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है अभी, और 17-18 लोग अभी जो हैं वो उपचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालौदा बाजार के लिए रवाना हुए हैं। रायपुर हेलीपैड में पत्रकारों से की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत, बड़ा दुखद घटना है, भगवान सभी के आत्मा को शांति दे, प्रावधान के तहत सभी को मुआवजा दिया जाएगा। सरकार द्वारा सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर सीएम ने सैनिकों के साहस की प्रशंसा की है। बेमेतरा की सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। शोक संत परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें, और उसमें जो आरबीसी 64 में जो उनको मुआवजा होगा वो सरकार देगी। हाँ, लगातार नक्सलवाद के साथ हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, वहाँ भी एक नक्सली फिर मारा गया है, ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। हमारे सैनिकों को, उनके साहस के लिए उनको सैल्यूट करते हैं। राजधानी की सड़क पर एक बाइक पर 5 सवारी घूमते वीडियो सामने आया है। वीडियो में पेशनबाड़ा इलाके में एक बाइक पर 5 लोग सवार होकर बाइक चलाते दिखाई दे रहे हैं। बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर खुद की जान के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र से हत्या का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी के अनुसार बीते दिनों की दरमियानी रात को बाजार पारा नेवरा निवासी नवीन विश्वकर्मा ने दीपक यादव का डंडे व बेल्ट से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त डंडे व बेल्ट को जब्त कर लिया गया है। पीएम कराया गया, पीएम के दौरान डॉक्टर साहब द्वारा पीएम रिपोर्ट में गंभीर चोट का उल्लेख किए थे, जिसकी क्यूरी कराएगी, क्यूरी में भी एक हत्यात्मक प्रवृत्ति की चोट होना बताया गया, जिस पर से मामला 302 का पाए जाने से थाना तिल्दा में अपराध क्रमांक 223/2024-302 IPC के तहत में कायम किया गया, और अपराध विवेचना के दौरान आसपास के लोगों का बयान लिया गया, बयान के
के आधार पर संदेही आरोपी नवीन विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।